पढ़ते हैं, स्थानीय माने हो जाति माने। सीटेट के लिए महत्वपूर्ण अध्याय है, लेकिन हाँ थोड़ी समस्या होगी कि आपको लगेगा जिसको समझ में आता होगा या जिनकी मैथ अच्छी होगी उन्हें लगेगा बहुत सरल है, लेकिन हाँ आप अंत तक वीडियोज देखिएगा क्योंकि मैथ सीटेट की सरल आती है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको समझना है। तो स्थानीय मान और जाति मान बहुत ही आसान है निकालना। तो सबसे पहले हम लोग स्थानीय मान पढ़ेंगे। स्थानीय मान को हम लोग प्लस वैल्यू कहते हैं, और फिर एक होता है जाति मान, इसे आंकिक मान भी कहते हैं, उसे हम कहते हैं फर्स्ट वैल्यू। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान। तो स्थानीय मान को आप पहले से शायद अगर आप पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा, आप जानते भी होंगे, तो इसलिए आपको ज़्यादा समस्या तो नहीं होनी चाहिए। स्थानीय मान, स्थानीय मान कोई भी संख्या दी गई, कोई भी संख्या दी गई हो उसकी जो वैल्यू होती है वही निकालना हमें स्थानीय मान के लिए महत्वपूर्ण होता है। शायद आप जानते भी होंगे कैसे, 4, 6, 7, 5, 3, 2। अब कह दिया जाए निम्नलिखित का 4,67,532 जो का आपको स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हमेशा हम दाएं तरफ शुरू करते हैं, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे जोड़ घटाना गुणा भाग, तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे कि गणित के जो भी प्रश्न होते हैं वो हम दाएं तरफ से सॉल्व करते हैं। हाँ, बीजगणित के लिए कुछ अलग से है, लेकिन बीजगणित में जरूरी नहीं है कि हम दाएं बाएं तरफ से सॉल्व करें, लेकिन उसके लिए चिन्ह की विशेष ध्यान देनी होती है। लेकिन अंकगणित में हम प्रश्नों को सॉल्व करते समय सो दाएं तरफ से इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी दाएं तरफ से इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए 2 है, तो 2 किस स्थान पर है, इकाई स्थान पर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2×1=2, तो 2 का स्थानीय मान 2 हो गया, ठीक। अब आगे बढ़े, 3 का देखा जाए, 3×3 ये 2 स्थान पर है, इकाई दहाई 10, इसका स्थानीय मान 30। इसी क्रम आगे बढ़ेंगे, 5 का 5×500, ये 5 क्या होगा, 500 कितने बिकाई दे सैकड़ पे 7 पे आते हैं, 5×, देखिए 1, 2, 3 0 के बाद या इकाई दे सैकड़ हजार पे है, 1000 6 पे आते हैं, 5×0=4, 60,000 4 पे आते हैं, 5×0 तो इस प्रकार से हमें स्थानीय मान निकालना होता है। लेकिन अगर जाति मान पूछ दिया, ये तो स्थानीय मान, ये स्थानीय मान है, लेकिन यदि जाति मान पूछेगा या अंकिक मान पूछेगा, जैसे पूछ दिया 7 का स्थानीय मान क्या होगा, ये निकाल लें। अब इसको हम और सरल समझने का प्रयास करते हैं। सरल समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे कोई भी अंक या कोई भी संख्या दिया गया है, तो उसका जाति मान और स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान तो आपको पता हो गया। अंकिक मान जो होता है वो स्वयं संख्या होती है, जैसे कोई संख्या ले लिया हमने, जैसे ये हमने संख्या ले ली 87,593, तो इस संख्या में यदि यह कह दिया जाए कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 लिख दिया हमने, उसके बाद कितनी संख्या है, 3, ये 3 संख्या है, 3 लड्डू बढ़ा दिया 1, 2, 3, इसका स्थानीय मान कितना हो गया 7। लेकिन इसका जाति मान पूछेगा, अंकित मान पूछेगा, तो जो इसका जाति मान अंकित मान होता है वह स्वयं संख्या होती है। अगर जाति मान की बात करेगा, जाति मान पूछेगा या अंकित मान, ये हो गया जाति मान आपका, इसे फर्स्ट वैल्यू भी कहते हैं, या अंकित मान, अंकित मान इसे अंकित मान भी कहते हैं, ये हो गया अंकित मान। तो अंकित मान जो होता है वह स्वयं संख्या होती है, दी गई जो संख्या होती है स्वयं वह अंकित मान होती है या जाति मान होती है, जबकि
अस्थानी मान क्या होता है, जिस स्थान पर विराजमान होती है उसके दाएं तरफ जितनी संख्याएं होती हैं उतने जीरो के साथ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा आपकी अस्थानी मान। कह दिया कि सात का, सात के जाति मान और स्थानी मान का अंतर होगा, इसका स्थानी मान कितना होगा सात, हटा दीजिए जो उत्तर आएगा वही क्या होगा जो आंसर होगा वही इनका अंतर होगा। तो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसे दशमलव में जो समझेंगे ये तो संख्याओं का है, ये दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान और जाति मान निकालेंगे थोड़ा सा मजा आता है और अच्छा भी लगता लगाने में। चलिए देखिए कोई संख्याओं ले लेते हैं हम, यह कोई संख्या है। अब अगर इसमें से कह दिया जाए कि छह के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर होगा, छह के जाति मान और स्थानीय मान का अंतर होगा, या तो कह दे कि दिए गए संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद छह के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या होगा, दिए गए संख्या को कह दे आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो मैंने बता दिया है आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम, अवरोही क्रम घटते हुए क्रम। तो आरोही अवरोही क्रम देने के बाद यदि यह पूछता है, यदि यह पूछता है कि छह के जातिमान या स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, तब भी आप कर लेंगे। जैसे उसने क्या किया, क्योंकि संख्या बनाना मैंने आपको बता दिया पहले, तो यहाँ पे हमें केवल जातिमान स्थानीय मान निकालना, अगर छह का स्थानीय मान निकालना है तो लिख दिया हमने छह, उसके दाईं तरफ कितनी संख्या है एक दो तीन चार, तो हमने किया एक दो तीन चार, तो जो प्राप्त संख्या है तो फिर हमने देखा कि छह का जो स्थानीय मान है वो ये हो गया। फिर इसका जातिमान, जातिमान हमने ये देखा है कि जातिमान स्वयं संख्या होती है, तो जो स्वयं संख्या होती है संख्या क्या है इसमें स्वयं छह है, अगर अंतर निकालना है छह लिख दिया, फिर इसका अंतर निकालना है तो अंतर हमने लिख दिया, तो यह हो गया छह के जातिमान और स्थानीय मान का अंतर। किंतु अगर ये आरोही या अवरोही क्रम में कहता तो पहले संख्या को हम आरोही क्रम में लिखते, फिर छह की जो वैल्यू होती उसकी स्थानीय मान निकालते, प्लस वैल्यू निकालते, फिर उस संख्या का हम प्लस वैल्यू निकालते, माने जाति मान या आंकिक मान निकालते। इस प्रकार हम जाति मान और स्थानीय मान दोनों अलग निकाल पाते। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पे आधार जो प्रश्न है वो बाद में हम कराएंगे, क्योंकि अभी क्या करते हैं हम पहले अध्याय को समझते हुए चलते हैं, क्योंकि एक बार अगर अध्याय समझ में आ जाते हैं तो प्रश्न लगाने आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगे और समय भी आपके लिए पर्याप्त मिलेगा, क्योंकि अभी तो ये सीटेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे है, पढ़ने ज़्यादा समझने पर है, तो फिर भी हम लोग समझने का ही प्रयास करेंगे। टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं आप, फेसबुक पे भी, टेलीग्राम पे दुर्गेश सर्च करिएगा, विनेश पेज दिए इलेनी बी दुर्गेश ज्वाइन कर लीजिएगा, या फेसबुक पे इलेनी बी दुर्गेश से। फिर आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच जाए, और नोट्स भी साथ में बनाते चलिए ताकि आपको नोट्स के लिए समस्या ना हो। हाँ, इससे जुड़े प्रश्नों को मैं बाद में एक बार पढ़ाने के बाद एक एक करके सारे प्रश्नों को सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपको यह न कहना पड़े सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।